डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द किड्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ। द पॉइंट इज कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म ऑलवेज इंश्योर्स डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डीकम्पोजिशन बट नॉट इन द BCNF। कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम डीकम्पोजिशन की बात करते हैं, टेबल को डिवाइड करते हैं, तोड़ते हैं, तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना पड़ता है कि आपका डीकम्पोजिशन जो है वो एक तो लॉसलेस होना चाहिए, दूसरा डिपेंडेंसीज जो है वो प्रिजर्व्ड रहनी चाहिए। ये DBMS का रूल है डीकम्पोजिशन के टाइम पे। तो इन दो में से जो लॉसलेस वाला है वो तो सारी नॉर्मल फॉर्म्स फुलफिल करती है, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, किसी में भी अगर आप आते हो तो उसमें आपको जो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड BCNF बोथ जो है वो लॉसलेस डिकम्पोजिशन तो फॉलो करती हैं। लेकिन आपको कहीं ना कहीं इसके बारे में पूछ लेते हैं कि जो डिपेंडेंसीज है, जो ओरिजिनल डिपेंडेंसीज थी, तो जब हमने टेबल को डिवाइड किया दो पार्ट्स में, तो क्या ओरिजिनल डिपेंडेंसीज प्रिजर्व रही, क्या वो एज इट इज रही, या उनमें से कोई डिपेंडेंसी खत्म हो गई? तो ये चीज जो है आप हमेशा याद रखना कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म तो हमेशा श्योर करती है कि वो डिपेंडेंसी प्रिजर्व रहेंगी, लेकिन BCNF के केस में ऐसा ऑलवेज नहीं है। ठीक है, वैसे तो मैक्सिमम केसेस में वो भी डिपेंडेंसीज को प्रिजर्व करती है, लेकिन इट इज नॉट अ ऑलवेज केस। ठीक है ना, तो ऑलवेज जब भी आपको बोल दे तो BCNF के केस में नहीं, लेकिन थर्ड के केस में यस, इवन सेकंड के केस में, फर्स्ट के केस में भी यस है, लेकिन सिर्फ BCNF के केस में आपने बोलना है नो। क्लियर है? अब इस चीज का प्रूफ अगर आपसे पूछ ले कि इस चीज का प्रूफ बताओ, तो यहां पे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने जा रहा हूं। लेट्स से मेरे पास एक टेबल है R, जिसके अंदर चार एट्रीब्यूट्स है ABCD। ये मेरे पास दो डिपेंडेंसीज दे रखी हैं, AB गोज टू CD एंड D गोज टू A। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं कि कैंडिडेट की कौन सी होगी। तो कैंडिडेट की फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास मेथड जो है वो सिंपल सा मेथड है कि देखो राइट हैंड साइड में कौन कौन है। राइट हैंड साइड में A है, राइट हैंड साइड में सी है, राइट हैंड साइड में डी है। ठीक है ना, राइट हैंड साइड में कौन कौन है मेरे पास, राइट हैंड साइड में कौन कौन से एट्रीब्यूट है, सी, डी एंड ए। कौन सा एट्रीब्यूट नहीं आया, आपका बी एट्रीब्यूट नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी कैंडिडेट की होगी ना, उसके अंदर बी तो होगा ही होगा। हो सकता है अकेली बी भी हो, लेकिन जो भी कैंडिडेट की होगी उसमें बी होगा। अब बी से ही स्टार्ट कर लेते हैं, अकेले बी का क्लोजर लेते हैं, तो बी के क्लोजर में क्या आएगा, अकेला बी आ रहा है। तो भैया बी अकेला तो कैंडिडेट की नहीं है, बी के साथ आपको कुछ और लगाना पड़ेगा। तो लेट्स से मैं बी के साथ ए लगा देता हूं, तो अगर मैं बी के साथ ए लगा देता हूं तो मेरे पास ए बी से ए बी तो आएगा ही, क्योंकि ये तो ट्रिवियल होती है, खुद को तो वो डिटरमाइन करेगा ही, ये तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सबको पता ही है। लेकिन ए बी से देखो सी डी भी आ गया, लो ए बी ने सारे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर लिया, तो मतलब ए बी क्या है, कैंडिडेट की। आप इसके ऊपर मोहर लगा दो, इसके ऊपर स्टैंप लगा दो कि यार मेरी कैंडिडेट की कौन सी है, ए बी। एक कैंडिडेट की आपको पता लग गई, ए बी। इसके अलावा आप बी के साथ लेट्स से सी लगा दो, बी के साथ आप सी लगा दो, ठीक है ना, क्योंकि हमें सारी चेक करनी है, कैंडिडेट कीज जो है सारी चेक करनी होती है। तो सी के साथ अगर मैं बी लगा देता हूं तो सी बी से सी बी आ गया, वो तो आएगा ही आएगा, और क्या आएगा, नहीं और कुछ भी नहीं आ रहा। तो यानी ये मेरी कैंडिडेट की नहीं बन सकती। अब मैं बी के साथ क्या लगा देता हूं, डी लगा देता हूं, तो देखो डी बी से डी बी तो आएगा ही आएगा, ठीक है, डी से ए आ रहा है, डी से ए आ गया, मतलब डी बी से डी बी आ गया, तो डी से ए आ गया, और देखो ए बी से सी डी भी आ गया, ए बी है ही यहां पे, तो ए बी से सी डी, डी को दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि डी ऑलरेडी लिखा हुआ है, मतलब सारे आ गए। तो सारे आ गए तो यानी एक और कैंडिडेट की आ गई, वो है आपकी डी बी या बी डी, कैसे मर्जी लिख लो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास दो आ गई, इसके ज्यादा और कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप बी के साथ कोई और एट्रीब्यूट लगाओ नहीं सकते ए बी सी डी के अलावा, आपने ए लगा लिया, सी लगा लिया, डी, इसके अलावा अगर आप लेट से बोलो कि सर आप ऐसे करते हैं ए बी डी भी लिख लेते हैं, तो गाइज ए बी डी क्या बन जाएगी, सुपर की बन जाएगी, क्योंकि इसमें ए बी ऑलरेडी कैंडिडेट की है, तो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट लगा के वो सुपर की बन जाएगी, हमें सुपर की से अभी इसमें लेना देना ही नहीं, तो हमें सिर्फ कैंडिडेट की फाइंड आउट करनी थी, दो आ गए। ठीक है, दूसरा मेरा स्टेप क्या होता है, प्राइम एट्रीब्यूट। प्राइम एट्रीब्यूट क्या होते हैं, जो कैंडिडेट की को बनाते हैं, जैसे सिंपल सा फंडा है कि आपका H2O, H2 मतलब वाटर का फॉर्मूला है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो ऐसी आपकी प्राइमरी की जो है या कैंडिडेट की जो है, कैंडिडेट की किससे मिलकर बनी है, तो देखो कैंडिडेट की एक तो A से मिलकर बनी है,
एक बी आया है और एक डी आया है, तो यानी प्राइम एट्रीब्यूट कौन से हो गए, तीन ए बी डी। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन से हो गए, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गया आपका सी। ठीक है जी, ये कहानी आपकी डन होगी। अब आते हैं जी, आप चेक करते हैं कि क्या ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। कैसे चेक करोगे थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी अ कैंडिडेट की, यस लेफ्ट हैंड साइड तो कैंडिडेट की है, ए बी तो कैंडिडेट की है, यानी ये थर्ड में है। मतलब ये वाली अभी सिर्फ एक चेक की है, अभी ये भी चेक करनी है, सारी डिपेंडेंसीज को चेक करना होता है। तो डी गोज टू ए, क्या लेफ्ट हैंड साइड कैंडिडेट की है, नहीं, डी अकेला नहीं है, बी डी है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो कैंडिडेट की नहीं है। बट थर्ड नॉर्मल फॉर्म में एक कंडीशन क्या होती है, या तो लेफ्ट हैंड साइड कैंडिडेट की हो या और राइट हैंड साइड प्राइम एट्रीब्यूट हो। यहां फंस गए अपा, नहीं यहां फंसे नहीं, यहां बच गए, क्यों, क्योंकि ए तो मेरा क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट है, तो ए प्राइम एट्रीब्यूट है, लो जी ये तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी आ गई। अब आप चेक करते हैं बीसीएनएफ, क्या ये बीसीएनएफ है। बीसीएनएफ क्या कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड भी है कैंडिडेट की हो, दैट्स इट, राइट हैंड साइड को मैं नहीं चेक करता। तो ये तो ठीक थी बीसीएनएफ के हिसाब से क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड कैंडिडेट की है, लेकिन यहां पे गड़बड़ आ गई क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट अ कैंडिडेट की। तो यानी ये वाला टेबल आपका थर्ड में तो है, ठीक है, लेकिन BCNF में नहीं है बिकॉज ऑफ दिस। तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है हम उसको अलग कर देते हैं। तो मेरा जो टेबल था ओरिजिनल A B C D, उसको मैं अब दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। किस में प्रॉब्लम आई थी, D A में प्रॉब्लम थी, तो मैं क्या करूंगा D को अलग कर दूंगा, D और A को अलग कर दूंगा। कैसे, D का मैंने क्लोजर लिया तो D के क्लोजर में क्या आया, D आया और A आया, तो इन दोनों को अलग कर दो, जो भी D के क्लोजर में आएगा उनको अलग कर दो। तो D के क्लोजर में D और A आया, तो A और D को अलग कर दिया। बचा क्या, बचा मेरे पास देखो A तो मेरा अलग हो गया, बचा क्या मेरे पास B C D। तो यानी मेरा ओरिजिनल टेबल डीकंपोज हो गया दो टेबल्स में। ओरिजिनल टेबल आपका लेट से R था, अब दो टेबल्स बन गए R1 R2, R1 के अंदर DA आ गया, R2 के अंदर BCD आ गया, क्लियर है। अब देखो जी डिपेंडेंसीज, सबसे पहले अपन लॉसलेस देख लेते हैं। लॉसलेस, लॉसलेस डीकंपोजिशन क्या होती है कि जो दोनों में से कॉमन है, जो दोनों में से कॉमन है ना, वो कैंडिडेट की होना चाहिए, या तो इस टेबल का या इस टेबल का या दोनों का, ठीक है। मैं गाइस इसलिए इसको फटाफट करवा रहा हूं क्योंकि मैं एक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं तो सिर्फ उसको जो इस पॉइंट को अच्छे से समझाने के लिए फटाफट से करवा रहा हूं। अगर इन केस आपको डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग लॉसलेस इसके बारे में नहीं पता, तो एक बार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, इवन आपको ऊपर सजेस्टेड वीडियो मिल जाएगा, तो आप वहां से एक बार डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है। तो यानी मेरा यहां पे दोनों में से कॉमन क्या है, डी, दोनों टेबल में कॉमन क्या है, डी, तो या तो डी इसका कैंडिडेट की हो या फिर इसकी हो या फिर दोनों टेबल, मतलब जो ओरिजिनल टेबल है उसकी हो। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो तो मेरी डी गोज टू ए इसके अंदर आ गई, तो इसका डी का क्लोजर लोगे तो क्या आएगा, डी ए आएगा, मतलब डी इसके अंदर क्या है, कैंडिडेट की है, तो यस ये लॉसलेस तो है। तो बीसीएनएफ ऑलवेज इंश्योर्स लॉसलेस, यस। लेकिन अब आते हैं जी यहां पर डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग पे। तो देखो डी गोज टू ए तो इसमें आ गई मजे से, लेकिन A B goes to C D कहां जाएगी, क्योंकि इसमें तो A है ही नहीं, तो फिर इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हमें बनानी पड़ेगी कोई ना कोई डिपेंडेंसी। तो बनाओगे कैसे, आप लेट से B का क्लोजर लो, B का क्लोजर लो इसको देख के, तो B के क्लोजर में क्या आएगा, अकेला B, C का क्लोजर लोगे C आएगा, D का क्लोजर लोगे, D का क्लोजर लोगे तो D और A आएगा, लेकिन A तो इसमें है ही नहीं। ऐसे ही आप लेट से B और C का क्लोजर लो इसको देख के, तो B और C के क्लोजर में क्या आएगा, अकेला B C आएगा, कोई फायदा नहीं है। B और D का क्लोजर लो इसको देख के, तो B और D का क्लोजर इसको देख के लिया, तो BD से BD तो आएगा ही आएगा, D से A आ गया, ठीक है ना, D से A आ गया और A B से C B आ गया, तो लो जी सारे आ गए। तो यानी अब आपकी इससे आइडिया लग जाएगा कि BD जो है वो बेटर ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हो BD से C, ठीक है ना, क्योंकि A तो इसमें है ही नहीं लेकिन BD से C आ रहा है ना, तो BD से C आपका इसकी वजह से आ रहा है, तो आप क्या करो इसके अंदर डिपेंडेंसी बना दो BD से C। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतनी डिटेल में आपको कहीं मिलेगा नहीं इजीली। तो D goes to A इसमें आ गई, BD goes to C इसमें आ गई, तो आपको पता लग गया ये दो टेबल इस तरीके से बन गए, डिपेंडेंसीज बन गई, लेकिन प्रिजर्व नहीं हुई। कैसे नहीं प्रिजर्व हुई, आप यहां पे अगर AB का क्लोजर लो तो AB के क्लोजर में क्या आएगा, ए बी सी डी आएगा, लेकिन यहां पे आप ए बी का क्लोजर लो तो देखो क्या आया, ए बी से ए बी आया और कुछ भी नहीं आया। तो यहां पे ए बी से सिर्फ ए बी आया, यहां पे ए बी के क्लोजर से ए बी सी डी आया, तो यानी ये जो डिपेंडेंसी थी वो प्रिजर्व नहीं हुई। तो इसीलिए आप कह सकते हो बीसीएनएफ ऑलवेज इंश्योर्स डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, नो ऑलवेज नहीं,
काउंटर एग्जांपल आपके सामने है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट. कोई भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. थैंक यू.